हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं जी सब? ठीक हैं। तो आज हमारे पास क्या है भाई? लिविंग ऑन आरएस 100 फॉर 24 आवर्स चैलेंज, वाडोदारा फूड चैलेंज। वाडोदारा फूड चैलेंज, ओके। 100 में 24 घंटे इनका हमने एक देखा था ना, 100 में ये रह लेती हैं भाई। लेकिन इनके तो फंड है रहने के लिए। 20 रुपए की अमृति उन्होंने 15 में ले ली। 15 में ले ली, डिस्काउंट मिलता है ना। हमें तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बंदे को डिस्काउंट नहीं मिलता। नहीं उनके, अच्छा इनका वे ऑफ टॉक जो है ना वो बहुत अच्छा है। मतलब इनका व्लॉग बनाने का जो तरीका है बहुत मजा आता है। मतलब खुले में ऐसे ओपनली गपशप। Yes. तरंग तरंग तरंग, नया शहर नई जगह है और जेब में है सिर्फ 100 रुपए। Hi guys, I'm Priyanka और आज मैं करने वाली हूँ 24 hours challenge in बड़ौदा, जहाँ पे मैं खाने वाली हूँ दिन और रात, सुबह और शाम, सारा का सारा खाना सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में। So come on, let's get started. इस ब्रेकफास्ट टाइम गाइस, और ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं आ गई बड़ौदा के एयरपोर्ट चौराहे पे। तो मेरे ठीक सामने है एयरपोर्ट और उसके ठीक सामने बहुत सारी स्ट्रीट फूड। तो चलो चल के देखते हैं कि यहाँ पे स्ट्रीट फूड में मैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या खा सकती हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए गाइस, यहाँ पे गाइस मिल रही है मेरी फेवरेट चाय। तो चलो पता करें भैया कितने की है चाय? 10 रुपए की है। अच्छा, और चाय के साथ साथ और क्या मिलता है नाश्ते में? बनमस्क हो रहे हैं ये देखो यार, क्या गजब का बनमस्क। चॉकलेट मस्का बना रहे हो? चॉकलेट मस्का कितने का है? 30 रुपए का। बनमस्क 20 का है। ये तो व्हाइट बटर और चॉकलेट देखते ही मुँह में पानी आ गया गाइस। बट आज इतना बजट नहीं है हमारा कि हम बन मस्क और चाय पी पाएं। थोड़ा सा कम करेंगे बजट क्योंकि 100 रुपए का है ना। और ये देखो क्या, अरे यार यहाँ तो सैंडविच मिल रहा है, वो भी इसके अंदर समोसा लगाया। मतलब खीरा टमाटर तो यहाँ गायब हो गया। यहाँ पे देखिए बढ़िया बढ़िया वो समोसे रखे और ये समोसे चले जाते हैं आपके सीधे सैंडविच के अंदर। बट ये कितने का समोसा सैंडविच भैया? 40 का। अरे बाप रे, सुबह सुबह 40 रुपए मैं तो नहीं खर्च कर सकती भाई। और देखिए हमारे बजट में क्या आएगा, ये देखिए, ये देखो पोहे देखे। होए यहाँ तो गर्मा गर्म पोहे दिख रहे हैं, साथ में बन भी रखा है। बन के क्या देते होंगे, छोटे छोटे मिनिएचर बन रहे। देखो कितने क्यूट क्यूट से यार, ये वाले बन तो मैंने भी देखे पर ये दुकान में तो कोई है नहीं। इधर के भैया किधर है? अच्छा ये बताइए कि आपके पोहे कितने के? 20 रुपीज के। फुल प्लेट होगी ना? हाँ। तो अगर आधा प्लेट ले तो कम हो जाएगा क्या? 10 रुपए के। तो और एक गजब, तो मुझे लगता है 10 रुपए के तो पोहे लगा ही दो आप भैया हैं। और रुकना भी, और उसके साथ साथ एक और चीज दिखाती हूँ गाइस। ये देखिए पोहे के साथ साथ यहाँ मोटी मोटी, ये मोटी मोटी कचौड़ियाँ मिल रही है, ये बड़े बड़े समोसे मिल रहे हैं। ये कचौड़ी समोसे कितने के? 20 रुपीज का। अच्छा तो चलिए ऐसा करिए, हमको 10 रुपए के पोहे लगा दीजिएगा। रुपए के पोहे, और देखो भैया ने क्या बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त सजाया है। ऊपर हरी मिर्ची, तो सबसे पहले का इसके अंदर है पोहे, उसके ऊपर गई है ये सेव, उसके ऊपर आया मिसल, मिसल वाला रसा, फिर डाली है भैया ने प्याज, हरी हरी मिर्चे। तो चलो देखते हैं खाके कि ये कैसा है। क्या गजब के पोहे हैं। मैं सही बताऊं इन पोहों के अंदर ना सारा जो मजा है, जो मजा सच में आ रहा है ना, वो आ रहा है इनके मिसल के रसे का। बहुत ही स्पाइसी स्पाइसी है और जो खट्टा खट्टा रसा है ना, वो वाकई इन पोहों में जान डाल देता है। लंच टाइम हो चुके हैं और लंच में पिछले एक घंटे से ढूंढ रही हूँ। मुझे वडोदरा के अंदर मेरे बजट के अकॉर्डिंग लंच मिल ही नहीं रहा है। जैसे नए शहर जब जाते हैं ना और अपने बजट के अकॉर्डिंग खाना ढूंढना पड़ता है तो वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है। और यहाँ वडोदरा में तो बारिश पे बारिश हुई जा रही है। मुझे लगता है आज का जो फूड चैलेंज है ना, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। सही बोलूं, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, बट फिर भी मैं अपना 100 रुपीज का चैलेंज पूरा करके दिखाऊं। सो गाइस, बड़ी मुश्किल से मतलब 3:15 बज चुके हैं, मुझे इतने घंटे लग गए अपना लंच ढूंढने में। तो चलिए ये देखिए, यहाँ पे आई मैं नेक्शा छोले भटूरे वालों जी के, जहाँ पे गाइस मैं छोले भटूरे नहीं खाऊं। अरे बाप रे गाइस, छोले भटूरे तो मेरे बजट में ही नहीं आएंगे गाइस। और मुझे बड़ी अच्छी अच्छी चीजें दिख रही है। ये बताइए आपके फूड कार्ट के अंदर क्या क्या बनाते हो आप? पूरी सब्जी है, पराठे सब्जी है, आलू पराठे। पूरी सब्जी कितने की है? 30 रुपए की। 30 रुपए की कितनी पूड़ियाँ खिला दोगे? 10 अरे तो एक आदमी 10 पूड़ी खा लेता है क्या? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, और ये मैं आलू के पराठे देख रही हूँ, ये कितने के? 20 रुपए के। अच्छा पहले तो आप अपना नाम बताओ मुझे। मेरा नाम दक्षा बहन। दक्षा बहन, यहाँ अभी मैं देख रही थी बड़े मजे से करारे पराठे बनाई जा रही थी, बट मेरे लिए पूड़ियाँ बनाओगी ताजी एकदम गर्मा गर्म? हाँ, कुरकुरी कुरकुरी वाली पूड़ी फूलेगी कि नहीं? फूलेगी। अगर बाई चांस मैंने 5 पूड़ी ली तो आप मुझे कितने की दोगे दक्षा बहन? अरे हंस रही, अरे मैंने 10 पूड़ी खा ली तो मैं पूड़ी जैसी बन जाऊंगी। ये देखो इतनी पूड़ियां खिलाती, खुद तो दुबली पतली है, सबको जाड़ा बना देती।
तो मेरे को पांच पूड़ी 20 रुपए तो चलो हमको 5 पूड़ी लगा देना। और यहाँ पूड़ियों के साथ क्या क्या दोगी? ये सब्जियाँ हैं, बची हैं, खत्म हो गई। हम इतने लेट हो गए कि ये देखिए, अरे आलू टमाटर की सब्जी यही है। हाँ ये मेरी फेवरेट सब्जी है, मुझे चावल के साथ बहुत पसंद है। बट ये तो सब, ये पूरा सुबह तक तो डोंगा भरा रहता होगा। दो डिब्बे भर के और कितने बजे तक बैठते हो आप इधर? 4:30-5 बजे। 4:30-5 बजे। अच्छा गाइस मैं लेट होंगी इसीलिए मुझे लग रहा है भगवान खाली हो जा रहे। अब जल्दी जल्दी से बना दो। ये देखिए थोड़ा सा गया पहले तेल इसके अंदर और अब देखूंगी कितनी पतली पूड़ी निकल के आती है इसमें से। अरे वाह ये देखे क्या सिंक्रोनाइजेशन है, एक साथ 3 पूड़ी। अरे वाह क्या बात है। ये देखे गाइस यहाँ हमारी पूड़ियाँ जो हैं तलना स्टार्ट हो चुकी हैं और गजब की मस्त मस्त फूली नहीं दीक्षा मैन। यहाँ पे आ गई मेरी पूरी आलू की प्लेट। तो जस्ट हैव अ लुक, ये देखिए क्या गजब की एकदम फूली फूली गप्पे की तरह फूली फूली पूरी है गाइस। और इसके साथ यहाँ पे दिए गए मसालेदार छोले और ये है मेरी फेवरेट आलू टमाटर की सब्जी। साथ में फ्राइड ग्रीन चिली जो अभी दीक्षा मैंने मेरे लिए करी है। प्याज चटनी, ये है चटनी गाइस, ये है गार्लिक की चटनी और ये है अचार। तो चलिए अब खा के बताते हैं कैसे। पहले तो पूरी को फोड़ते हैं। तो चलो पहले तो चटनी लगा के देखती हूँ यार, इनकी जो गार्लिक की चटनी बताइए ना। और ये लगाएंगे आलू टमाटर। एक दफा उधर जाके चार ले गया था, मैं समझा फ्री नहीं है, तो उसने 150 यार। चटनी ना एकदम कातिवाला बनी है, मतलब इतनी गजब की, इतनी गजब की गार्लिक और लाल मिर्च जो इन्होंने भर भर के डाल दिया, तीखी नहीं है बट गार्लिक की बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा इसको खाते ही। और अभी जरा छोले भी तो ट्राई करें कि कैसे है मसालेदार ये छोले। ओके यार छोले दिखने में बड़े गजब के दिख रहे हैं वैसे, सही बताओ। ये जो फ्रेश पूड़ियाँ बनाई ना गर्मा गर्म, सच बोलूँ बहुत अमेजिंग है। एंड छोले इतने मसालेदार दिख रहे थे बट फिर भी स्पाइसी बिल्कुल नहीं है, अदरक का स्वाद इसमें भरपूर आ रहा है, बहुत ही मजेदार है। देख जा मैं तुझसे छा गए गुजरात में आके मेरी पंजाबी निकल रही है। It's snack time guys। और स्नैक्स खाने के लिए मैं आ गई हूँ गोत्री रोड पे और यहाँ खड़ी हूँ मैं ओसिया हाइपर मार्केट में। गाइज ये एशिया नहीं है, ये है ओसिया। एंड गाइज यहाँ पे मैंने देखी एक बड़ी कमाल की चीज, आ जाओ यहाँ पे मिल रही है मेरी पानी पूरी सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में। आई कांट बिलीव दैट। बाकी कुछ भी खा लो, दही पूरी, सेव पूरी, भेल पूरी, पापड़ी चाट, सब 40-50 रुपए की। गाइज एक पानी नहीं, कितने पानी है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर और चार चार गजब गजब के पानी। तो बताओ तो जरा कौन कौन सा पानी है। जीरा पानी है, आ हरा हरा क्या मस्त मस्त है। ये गार्लिक पानी और ये हाजमा, इसको खाते ही हाजमा सही हो जाएगा है? और ये वाला रेगुलर नॉर्मली जो होता है। अच्छा तो ऐसा करिए जरा बढ़िया गजब की पानी पूरी तो खिला दीजिएगा। ये देखिए गाइस 10 रुपए हम अपनी जेब में रख कर ही लाए थे, क्योंकि 10 ही रुपए थे, ये गए आपके पैसे और लाइए। थैंक यू भैया। ये हो गया जीरा पानी, धीरे धीरे खिलाओ, धीरे धीरे, जल्दी नहीं है हमें कहीं। हाँ ये आया जीरा पानी। ये कौन सा है, लहसुन ही पानी? नहीं मैडम ये लहसुन है। ये तो भूल गए, ये देखो ये कमाल के, ये अपने पानी को भूल जा रहे, मेरी सुंदरता में तो नहीं कोई चल रहे। ये बताओ पानी पूरी 10 रुपए का, बाकी चीजें महंगी क्यों है? पब्लिसिटी। ये देखो ये पब्लिसिटी सोती रहे तो हम आ गए इनकी पब्लिसिटी करने। आवाज कैसे आ रही है? गाइस 10 रुपए में आपने पानी वाले गोलगप्पे तो खा लिया, अभी आपको सूखी पूरी भी देते हैं। गाइस बहुत ही कमाल गोलगप्पे, तो सबसे बेस्ट गोलगप्पा तो हमको गाइस इनका हाजमे वाला लगा। मुझे लगता है वो हाजमा वाला गप्पा खा के मेरा हाजमा ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब चल के थोड़ा वैसे हाइपर मार्केट आए, घूम तो ले, बजट नहीं है कोई बात नहीं, मार्केट में थोड़ा घूम के विंडो शॉपिंग कर सकते हैं। आ जाओ डिनर टाइम गाइस। और अब तक मेरे खर्च हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज और डिनर के लिए बचे पूरे 60 रुपीज। यहाँ पे देखिए मैं आ गई राजू ऑमलेट जी के, जिनके यहाँ मेरा बजट तो बड़ा ही सस्ता मस्ता था। इनके तो स्टार्टिंग ही गई 100 रुपए की ऑमलेट से होती है, तो आज मैं इनके ऑमलेट तो नहीं खा सकती। और यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज दिखी गई, फ्रेश फ्रेश ढोकले मिल रही है। देखो हेलो नमस्ते भैया, ये क्या क्या मिल रही है ढोकले, खमन क्या है, बुढ़िया है, कितने कितने क्या, ये क्या काट रहे हैं आप, पीला पीला ढोकला है ये कितने का, क्या हिसाब आता है? 70 रुपए का एक प्लेट। अरे अच्छा ये तो बड़े सारे नाश्ते दिख रहे हैं, मुझे तो सबके नाम भी नहीं पता। ये तो मुझे पता है, ये मेरी फेवरेट साबूदाना खिचड़ी है गाइस, देखो बहुत ही बढ़िया। एंड ये क्या है, ये पूरा ऐसा गोल हांडवा। अच्छा ये कितने का एक बड़ा हांडवा, वो भी 70 का, सबको 70 70 70 है, 70 मिनट है आपके पास। ये हमारे बजट में नहीं गाइस, हमारे पास तो 60 रुपए ही बचे। अब थोड़ा सा इधर चलते हैं, इधर आइए आइए आइए, आपके पास क्या है भैया?
पापड़ी का लोट मतलब ऐसे लोट लोट के पापड़ियां खाते हैं क्या लोग? खिचा पापड़ कितने की है दिखाइए ना जरा। अरे ये क्या, ये तो कुछ नया दिख रहा है, कितने का बनता है? 25 रुपए। अच्छा ये तो मैं सोच सकती हूँ, 25 रुपए तो बजट में अपने डाल सकती हूँ, पर पहले मैं थोड़ी सी रखी करूंगी यहाँ मुझे क्या खाना चाहिए। तो आइए, और यहाँ पे भी दिख रहा है आपके पास क्या मिलता है? सेव पूरी। अरे तो हमारे बम्बैया भेल पूरी जैसी भेल वेल दिख रही, कितने की थी? सेव पूरी है, भेल पूरी है 60 रुपए का भैया, 60 रुपीज ही बचे हमारे पास, तो हम ये भी नहीं खा सकते गाइस। आइए अब देखे क्या है। और ये कुछ दिखा, वाह अच्छा हम थोड़ा सा छतरी में आ गए गाइस, बारिश बहुत तेज होती जा रही है, आज का चैलेंज करने में बड़ी डिफिकल्टी आई है। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? ये हमने खाया है अहमदाबाद में, इसका नाम है वो बूंगरा बटाटा, बटाटा या बटाका? बटाका। ये देखिए ये बटाका खाते ही आपके पटाखे फूटे में लगेंगे फुट 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 फुट। ये कितने का दिया? एक प्लेट का 50 रुपए है। अच्छा हाँ मैं तो हिल गई, एक प्लेट का 50 रुपए। अच्छा तो एक प्लेट में कितने भूंगरे देंगे? एक पैकेट आएगा। इतना सारा? और इतना सारा हम नहीं खा सकते, तो बहुत सारा है, तो आधा दे दो। आधा खाने का? हाँ आधा खाने। कितने का देंगे? आधा 30 करें या 20 करें? अच्छा 20 करें, चलो 20 कर देते। यहाँ तो लाल लाल मसाला लगाया जा रहा है, ये तीखा तो नहीं होगा? ये आलू है? आलू है, ये तो एकदम चटक लाल मुझे दिख रहा है। ये लहसुन वाली चटनी है, हमें तीखा नहीं चाहिए। नहीं, नहीं लगेगा। अरे क्या बात है, लहसुन की चटनी तो देखते ही यार सच में यार मजा आ जाता है, मतलब खाने का ये एक अलग स्वाद हो जाता है। और ये क्या मीठी चटनी? सादा मीठा चटनी, तीखा और मीठा। तो ये बटाके के अंदर हमको भरना पड़ेगा, आप भर के देंगे? ये देखिए इनके स्पेशल मसाले आके भैया के बहुत ही शिद्दत और प्यार से बना रहे हैं, हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। अब देखिए आइए बटाके की बारी, फ्रेश पैकेट आपके सामने खोलेंगे। अब इसको क्या चूर तो नहीं देंगे आप? ओ घुमाने का, अच्छा भर जाएगा। सो गाइस ये आ गई मेरी 20 रुपए के भूंगरा बटाका, जस्ट हैव अ लुक। ये देखिए इतने सारे बटाके और भूंगरे दिए भैया ने, एंड ये देखिए कितना बढ़िया सजाया है, मूंगफली मसाले वाली मूंगफली डाली है, चटनियां तरह तरह की डाली, पतले वाले सेब भी डाले। अब इसको जो खाना है ना वो भी एक चैलेंज से कम नहीं है। ये देखिए ये है फ्राई में इतने लंबे लंबे, और इसकी जो कैविटी देख रहे हैं ना भैया ने बताया उसके अंदर आलू भर भर के आपको ये भूंगरा बटाटा खाना है, तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं ये आलू इसके अंदर भरते भी है। देखो मुझे टेक्निक सिखाई है भैया ने, ऐसे करना, यू 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 घुमा देना। भैया आपकी टेक्निक तो कमाल निकली, ये आलू का मजा आ रहा है, एकदम मसालेदार है, और इसके अंदर ना सबसे बढ़िया फ्लेवर मुझे लहसुन का आ रहा है ना, आया है मजा आ गया। 20 रुपए में तो भैया ने बहुत बड़ी प्लेट सजा के दे दी, मैं अपना गेम खेल खेल के भूंगरे पटाखे खत्म कर ही लूंगी। It's dessert time guys, और डिजर्ट खाने के लिए मेरे पास बचे पूरे के पूरे 40 रुपए। ये देखिए यहाँ पे मिल रहे हैं बढ़िया 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 वॉफल, और अपने अपने बजट के अंदर कौन सा आएगा गाइज, ये तो भैया से जरा थोड़ी सी ना मुझे मांड वाली करनी पड़ेगी। हाँ 50 का है, मेरे पास तो 40 रुपए है। हेलो भैया नमस्ते नमस्ते, ये बताइए आप वॉफल बना रहे हैं तो ये क्या चॉकलेट सॉस है? ये डार्क चॉकलेट है, ये क्या मिल्क चॉकलेट है, व्हाइट चॉकलेट है? अच्छा तो कितने कितने के बनाओगे? स्टार्टिंग है 50 से, पर हमारे पास तो 40 रुपए बचे, तो 40 रुपए में कौन सा बढ़िया सजा सुजू के वॉफल बनाओगे? अरे बैटर थोड़ा कम डाल देना, 10 रुपए का कम डाल देना। रेगुलर ट्रिपल चॉकलेट हमको तो जो आप 40 रुपए में बना के दे देंगे भैया, हम खुशी से खा लेंगे। देखो 40 रुपए में मेरा कितना सुंदर सुंदर वॉफल रेडी होके आया है, कितना फुल्ली चॉकलेट से ओवरलोडेड है, साथ में भैया ने जेम्स भी लगा दी है इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया लग रहा है गाइस। ये मैं आपको सही बोलूं, इस वॉफल को जब भैया ने इसको चॉकलेट से नहलाया धुलाया और खिलाया और पिलाया, ऐसा लग रहा था कि मैं खुद ही चॉकलेट से नहाए चली जा रही हूँ। ओके एक चीज है कि हमारे सिर्फ 100 में ना खाली यही ना मिले, वाकई यार पूरा दिन निकाल लिए।
बहुत ही बढ़िया है। ये बारिश के मौसम में जो गर्मा गर्म भैया ने वॉफल तैयार करा ना, आए हाय एकदम काबिले तारीफ और एकदम कातलाना है। चॉकलेट लवर्स आए थे उनको तो ये वॉफल पक्का 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 ट्राई करना चाहिए। आज का फूड चैलेंज आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे अगले फूड चैलेंज में, तब तक के लिए बाय। और व्लॉग को एंजॉय खुद भी करती है और जो व्यूअर्स है वो भी करते हैं। और जिनके पास जा रही होती है स्टॉल वाले या जो भी कह लो शॉप वाले, वो भी एंजॉय करते हैं, उनकी बातें ऐसी हैं। और बाकी बहुत ही बढ़िया। और 100 रुपए में मतलब पूरा दिन निकल गया। आप ये देख लो कुछ ना कुछ नया ही देखने को। हाँ वाकई। अच्छा इंडिया में वैसे बहुत चीजें मिलती हैं। बहुत। अच्छा इंडिया में 100 रुपए में आप मतलब दिन पूरे निकाल सकते हो वैसे ना। और इधर 100 रुपए में तो नहीं निकलेगा। मैं सोच रहा था वैसे कि अगर हम पाकिस्तान में एक दिन निकालना हो वैसे तो कितने में निकलेगा, तकरीबन 500 तो लग ही जाएगा। ऐसी चीजें खाने में जो उन्होंने खाई इसमें तो 500 लग जाएगा, 400-500 जो है वो मिनिमम आपके पास होना चाहिए। तो गाइस ये था आज का वीडियो, तो कैसा लगा आपको कमेंट बिलो एंड वी विल बैक टुमारो विद अ न्यू लेटेस्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही, रखें अपना ख्याल। गुड बाय, टाटा, लव यू।